हे गाइज, आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो में अच्छे खासे व्यू कैसे ला सकते हो। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्ट वीडियो में व्यू लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक नए यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले हमारे साथ क्या होता था कि पहले हम यूट्यूब पर किसी तरह का भी वीडियो अपलोड कर देते थे, ना उसमें क्वालिटी रहता था अच्छा, ना ही वीडियो अच्छा रहता था, लेकिन तब पर में भी उस पर हम लोगों को अच्छे खासे व्यू देखने को मिल जाता था। लेकिन अब का समय में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है कि आपका शॉर्ट वीडियो में 100 व्यू 200 व्यू भी आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। खुद मेरे चैनल के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन मैं कुछ ट्रिक कुछ आइडिया को फॉलो किया और अपने चैनल पर अप्लाई किया। उसके बाद आप खुद ही देख सकते हो कि मेरे चैनल पर एक वीडियो 14,000 गया है। ऐसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पर व्यू आप पहले का देख सकते हो कि जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ ये शॉर्ट वीडियो का ही व्यू है। पहले कितना व्यू आता था ये देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो का व्यू है पहले का। कुछ दिन पहले का मैं वीडियो ये दिखा रहा हूँ, इस पर लगभग 100 व्यू 200 व्यू, इससे ज़्यादा मेरा व्यू नहीं आता था। लेकिन इस ट्रिक को इस टेक्निक को मैं अप्लाई किया अपने चैनल पे, उसके बाद मेरे चैनल पर गजब का व्यू देखने को मिला, यानी कि 14,000 9,000 11,000 ऐसे मेरे चैनल पर व्यू आने लगे। तो आज का वीडियो में मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप इस ट्रिक को कैसे अप्लाई कर सकते हो और ये ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले ये जो ट्रिक है इसे मैं दो लेसन में बांटा हूँ, दो लेसन में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। पहला नंबर कि आपको अपने वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियो में क्या नहीं करना चाहिए, और जो दूसरा नंबर में लेसन आता है आपके अपने वीडियो में क्या क्या होना जरूरी है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे जो शॉर्ट वीडियो है उसमें क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए। तो अक्सर न्यू यूट्यूबर लोग ये गलतियाँ करते ही करते हैं। जो पहला नंबर पे आता है वो ये है कि जो आपका शॉर्ट वीडियो है वो खुद का वीडियो खुद से देखना। वैसे नहीं मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, खुद का वीडियो खुद से देखना यानी कि आपके मोबाइल में 3-4 जीमेल आईडी आप बना चुके हो और क्या करते हो कि आपने शॉर्ट वीडियो को पब्लिश करते हो, पब्लिश करने के बाद अपने दूसरे जीमेल आईडी को लॉगिन करके और अपने शॉर्ट वीडियो को देख करके एक बार नहीं 3-3 बार देखते हो कि ज़्यादा व्यू बढ़े, ये आपको नहीं करना है। और दूसरे नंबर पे जो आपका शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में गाइस हैशटैग ज़्यादा नहीं डालना है, टाइटल में 1-2-3 इससे ज़्यादा हैशटैग नहीं, क्योंकि हैशटैग से क्या होता है मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो जाकर के देख ले। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो आपका शॉर्ट वीडियो है उसमें आप 2-3 हैशटैग ही डालें, इससे ज़्यादा हैशटैग नहीं डालें, ये पॉलिसी के खिलाफ भी है। मैं कुछ अगले वीडियो में इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जो तीसरे नंबर पे आता है वो ये है कि आपका शॉर्ट वीडियो का लेंथ, यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप एक न्यू यूट्यूबर है, आपके चैनल पर 100 से 500 के बीच सब्सक्राइबर है, तो आपके जब आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो अपलोड करने के बाद जब उस पर ऑडियंस रिटेंशन जो आता है, एवरेज परसेंट व्यू वो कितना आता है, 50% से आपका हर एक वीडियो में नीचे आ रहा है, तो 25 सेकेंड से 33 सेकेंड के बीच में ही वीडियो का लेंथ आप रखें, ये हो गया। ये तीन गलती आपको नहीं करना है। और कौन सी चीज आपको करना है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने शॉर्ट वीडियो में अच्छे खासे व्यू लाने के लिए सबसे बड़ा जो काम होता है वो है आपका वीडियो का क्वालिटी, कंटेंट का टॉपिक और आपका वीडियो, यानी कि तीन चीज। एक ही चीज में मैं आप लोगों को तीन चीज बताया कि शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो को वायरल करने के लिए आपका वीडियो का क्वालिटी होना चाहिए, कैमरा भले आपका पास अच्छा ना हो लेकिन उसमें एडिटिंग हार्ड होना चाहिए, आपका वीडियो अच्छा होना चाहिए, दूसरा नंबर आपका टॉपिक भी अच्छा होना चाहिए। और जो हमारे दूसरा नंबर पे आता है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि मैं आप लोगों को बता दूंगा इसकी, बहुत लोग क्या करते हैं कि आज वीडियो डाला, कल वीडियो डाला, परसों वीडियो डाला, उसके बाद गोल एक हफ्ता वीडियो जब पर लगन से डाला कि नहीं मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे ये करना है वो करना है, उसके बाद गाइस क्या कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे को यहाँ जाना है ऐसे, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, बहुत सारे बहाना बना देते। तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको 90 दिन आपको एक टाइम को सिलेक्ट कर लेना है, उसी समय आपको वीडियो को पब्लिश करना है। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो ये है कि वीडियो को आपको किस समय पब्लिश करना चाहिए। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपका जो वीडियो रहता है वो ज़्यादातर मॉर्निंग समय में अपलोड करना चाहिए। मॉर्निंग समय में आप पब्लिश करते हैं तो जो आपका वीडियो है उस पर अच्छे खासे व्यू आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दो लेसन में समझा चुका हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। ऐसे आप सिर्फ 30 दिन अप्लाई करें अपने चैनल पे, उसके बाद खुद आप मेरे वीडियो पर आकर के कमेंट करेंगे कि सर आप जो ट्रिक बताएं उसे अप्लाई करके मेरा चैनल अच्छे खासे ग्रो हो गए, अच्छे खासे मेरे चैनल चल रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलूंगा, क्योंकि वीडियो आपको अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।